Hey guys, I'm Varun, certified nutritionist and supplement specialist. गाइज, तो आज की वीडियो एक ऑन डिमांड वीडियो है। आप लोगों ने कई सारी वीडियोस मेरे बेस्ट वे प्रोटीन वाली वीडियो के नीचे एंड कई सारे अदर ब्रांड्स का भी जब मैंने रिव्यू किया, तो आप लोगों ने मुझसे बोला था कि एज इट इज का एटम वे प्रोटीन आप इसका रिव्यू कीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले ये चीज बता देता हूँ, ये मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू होगा जिसमें मैं इस प्रोटीन को आज से लेना स्टार्ट करूंगा एंड मिनिमम 4 to 5 days यूज करूंगा, उसके बाद मैं इसका आपको कंप्लीट रिव्यू बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। हालांकि ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैंने खुद से खरीदा है, ऑफलाइन मार्केट से मैंने इसको खरीदा है। इसकी कीमत मुझे 1800 rupees 1 kg के इस पैकेट की पड़ी है। बट आई गेस तुरंत ओपन करके मैं इसका रिव्यू दूं तो वो थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट गाइस ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड है। कई सारे यूट्यूबर्स ने इसको सर्टिफाइड किया है, ये सर्टिफिकेशन में पास होता है और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। बट कुछ लोगों के मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि उनको बैक में एक्ने निकल आए इसको लेने के बाद, या कुछ लोगों को डाइजेशन का इशू बहुत ज्यादा आ रहा है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको डाइजेशन का इशू नहीं भी आ रहा है, ठीक है। तो मैंने सोचा आज इस प्रोडक्ट को मैं लेके आता हूँ एंड मैं इसको कुछ दिन यूज करूंगा। हालांकि मैं पोस्ट वर्कआउट में 2 scoops वे प्रोटीन को यूज करता हूँ, तो मैं इसको भी सेम उसी जगह पे रख के वैसे ही यूज करूंगा जैसे मैं अपने अदर प्रोटीन्स को करता हूँ। तो जैसे मैं नेचुरल टीन पीता हूँ, Q&T पीता हूँ, तो यही प्रोटीन मैं कंटिन्यू पीता हूँ। बट इस प्रोटीन पर मैं स्विच करूंगा अभी से लेके 4 से 5 दिन तक, उसके क्लिप मैं लगा दूंगा जब भी मैं इसको ट्राई करूंगा। न्यूट्रिशन फैक्ट के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो स्कूप साइज है वो होने वाला है आपका 36 ग्राम्स का एंड 28 सर्विंग आपको डिलीवर करता है ये पैकेट। इसमें आपको प्रोटीन मिलता है 27 ग्राम्स, हालांकि ये ट्रस्टिफाइड की रिपोर्ट में थोड़ा सा ज्यादा निकल गया था, 28 ग्राम्स आ गया था, बट 10% का अप डाउन आप लेके चल सकते हैं। 5.7 ग्राम्स आपको इसमें BCAA, 12.2 ग्राम्स ऑफ EAAs एंड 4.5 ग्राम्स आपको ग्लूटामाइन इसमें देखने मिलता है। कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल इसमें भी दी गई है, हालांकि इसको जब हम ट्रस्टिफाइड की लैब रिपोर्ट से मैच करते हैं तो वो एकदम सही आती है। पैकेजिंग उतनी ज्यादा सुपीरियर नहीं है, नॉर्मल साइज पैकेट है। तो इसका अभी हम आज डे वन पे इसका हम टेस्ट एंड फ्रेग्रेंस टेस्ट करते हैं एंड मैं देखूंगा इसको 4 से 5 दिन आप लोगों के सामने कि क्या इसके रिजल्ट निकल के आते हैं एंड क्या इसमें ब्लोटिंग होती है या नहीं होती है, या मेरे बैक पे एक्ने आते हैं या नहीं आते हैं। मेरे पास ये जो फ्लेवर है ये है चोको हेजल फ्यूजन, ओके आई गेस हेजलनट फ्लेवर है, तो चॉकलेट हेजलनट फ्लेवर है। तो इसको अब हम ओके फ्रेग्रेंस में चॉकलेट हेजलनट की मिक्स खुशबू आ रही है, बट उतनी ज्यादा प्यारी खुशबू तो नहीं है, मतलब आ सकती है लोगों को पसंद आएगी, बेकार भी नहीं है, ज्यादा अच्छी भी नहीं है। ओके, तो मैं आप लोगों के सामने इसके 2 scoops यूज करूंगा आज। ओके, मैंने 2 scoops को ऐड कर लिया है एंड अब हम इसकी मिक्सेबिलिटी टेस्ट करते हैं। ओके, तो एकदम लम फ्री शेक तो तैयार हो गया है, ठीक है। मिक्सेबिलिटी में ना 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 इसमें थोड़े से लम्स दिख रहे हैं मुझे हल्के से। ओके, तो मिक्सेबिलिटी ने लिया है थोड़ा सा टाइम, बट अभी लम फ्री शेक तैयार मिला मुझे, आप लोग भी देख पाएंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। लम्स हैं स्टिल गाइस अभी भी। तो ये पूरा मैंने फिनिश कर लिया है, थोड़ा सा एंड में बचा हुआ है गाइस, लम्स थे इसमें, उतना ज्यादा बढ़िया नहीं है मिक्सेबिलिटी के मामले में, बट टेस्ट ओके ओके, ज्यादा बहुत ज्यादा स्वीट साइड में भी नहीं है और डाउन साइड भी नहीं है, एक नॉर्मल एवरेज टेस्ट है। तो बट प्राइस की काफी ज्यादा अफोर्डेबल है अदर वे प्रोटीन से। तो आज मैंने इसको डे वन पे यूज किया है, अब देखते हैं हम इसको 5 से 6 दिन यूज करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक कंप्लीट रिव्यू बना के बताऊंगा कि
इसका कैसा रिजल्ट रहा प्रूफ के लिए, मैं डेली पोस्ट वर्कआउट में आप लोगों के सामने ही शेक पीने वाला हूं। तो अगर आपको इस टाइप की वीडियो और भी चाहिए, मतलब मैं जो प्रोडक्ट रिव्यू करता हूं अगर इस कैटेगरी को लेके चले, तो आप लोग कमेंट डाउन जरूर कीजिए कि आप लोगों को इसी टाइप का रिव्यू चाहिए कि किसी प्रोडक्ट को मैं लूं 4 से 5 दिन, आप लोगों के सामने उसको यूज करूं और उसके बाद मैं उसका रिव्यू दूं। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा फंड्स लगते हैं इन चीजों को करने में एंड कंपनी तो फंडिंग नहीं करती है। तो अभी हम इसको ट्राई करेंगे। तो तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से बोला था कि मैं एज इट इज के एटम वे को यूज करूंगा कुछ दिन और उसके बाद मैं इसका रिव्यू दूंगा आप सभी को। गाइस इसको यूज करते करते अराउंड मुझे 8 डेज हो चुके हैं, आज day 9 है बेसिकली, और मैंने स्टार्टिंग में इसको 2 स्कूप्स पोस्ट वर्कआउट में ऐड किया था, बट आफ्टर कुछ मतलब 2 दिन के बाद मैंने इसको 1 स्कूप ही कर दिया था। रिव्यू की बात करें गाइस, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है मुझे इसके साथ। डाइजेशन का इशू बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, क्योंकि मैं कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन ही सबसे ज्यादा यूज करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा कि मैं नेचुरलटीन का वे कॉन्सेंट्रेट यूज करता हूँ, QNT का भी वे कॉन्सेंट्रेट में यूज करता हूँ, तो मुझे कभी भी कोई भी इशू नहीं आया था। इवन मैंने रॉ वे को भी कंज्यूम किया है तो मुझे कभी कोई इशू नहीं आया। बट इसके साथ एक चीज मुझे ये लगी कि मुझे बहुत ज्यादा ब्लोटिंग हो रही थी पेट में, बहुत ज्यादा। मतलब जब भी मैं इसको ले रहा था, मैं बेसिकली शाम टाइम में वर्कआउट कर रहा था और उसके बाद मैं जब सोने जाता था 2 घंटे के बाद, तो फिर मुझे बहुत ज्यादा ब्लोटिंग होने लगती थी और डाइजेशन का इशू बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी मुझे। तो मैंने फिर इसका सिंगल स्कूप कर दिया पीते टाइम, तब भी मुझे स्टिल ये प्रॉब्लम रही। तो मैंने इसको कुछ लोगों को और पिलाया, जो मेरे फ्रेंड्स थे, अराउंड 3 फ्रेंड्स को और मैंने दिया इसको पीने के लिए। तो उनके लिए उनका रिव्यू ऐसा था कि 3 में से 1 को इशू कोई भी नहीं आया, बट 2 लोगों ने मुझसे बोला हाँ उनको हल्का सा गैस्ट्रिक इशू की प्रॉब्लम इससे हुई, जबकि वो भी कॉन्सेंट्रेट पीते थे। आई डोंट नो ये क्या है। अब किसी को होता है इससे, मतलब डाइजेशन से रिलेटेड इशू, किसी को नहीं होता है, तो मुझे ये चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आई है। आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम हो रही है। प्रोटीन की क्वालिटी गाइस, क्वालिटी अच्छी है, नो डाउट। प्रोटीन भी कंप्लीट निकला है इसका, अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही ट्रस्टिफाइड की रिपोर्ट आई है, जिसमें इसने कंप्लीट उनके 6 लेवल टेस्टिंग को कंप्लीटली पास किया है, तो ये एक अच्छी बात होती है। और एटम वे काफी बजट फ्रेंडली प्रोटीन है, जो कि 1800 रुपीज में 1 kg आपको मिलता है। इंग्रेडिएंट पे अगर हम लिस्ट नजर मारते हैं, तो इसमें वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट के साथ साथ वे प्रोटीन आइसोलेट भी दिया गया था। इसके अलावा एंजाइम प्लस ब्लेंड भी इन्होंने डाला है, जो कि आपके डाइजेशन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देगा। बट पर्सनली मैं एज इट इज को के एटम का ज्यादा बड़ा फैन नहीं हूं, क्योंकि मुझे इससे रियल में डाइजेशन का इशू आ रहा है। आप लोगों के कहने पर मैंने ये रिव्यू दिया। हालांकि रिकवरी की बात करें, रिकवरी ऑन टॉप थी और प्रोटीन भी अच्छी क्वालिटी का होगा मे बी, बट मुझे उतना ज्यादा अच्छा भी नहीं लगा क्योंकि डाइजेशन का इशू मेन सिर्फ एक ही इसके साथ मुझे प्रॉब्लम रही है इतने दिनों में, कि मुझे इसके साथ डाइजेशन इशू बहुत ज्यादा रहा है। तो मैं तो इसको यूज नहीं करने वाला, बट जिसको ही सूट करता है वो इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ट्रस्टिफाइड ये कंप्लीटली सेफ है प्रोटीन लेने के लिए। अमीनो एसिड की टेस्टिंग भी कंप्लीट है इसकी, प्रोटीन परसेंटेज भी कंप्लीट है, हालांकि ज्यादा ही निकलता है, और उसके साथ साथ हैवी मेटल टेस्टेड भी है ये प्रोटीन। तो ये मेरा 8 दिन यूज करने के बाद एक कंप्लीट रिव्यू था। और हाँ एक चीज और बता देता हूँ, इनका जो स्कूप है वो इनएक्यूरेट है गाइस, क्योंकि इसमें जब भी आप देखते हैं तो इसमें इन्होंने सर्विंग साइज दिया हुआ है, इसमें 1 हीपिंग स्कूप लिखा हुआ है, बट जब हम इसका 1 हीपिंग स्कूप लेते हैं तो इसमें पाउडर जो कि 36 ग्राम्स आना चाहिए वो अराउंड 42 ग्राम्स आ जाता है। तो आप इसको, मेरा सजेशन ये रहेगा इसको हीपिंग स्कूप ना लेके इसका अगर आप नॉर्मल एक लेवल स्कूप लेते हैं तो वो ठीक रहता है, वो एक्यूरेट आता है। तो ये लोगों ने ना यहाँ पे गलत क्लेम किया है कि 1 हीपिंग स्कूप 1 लेवल स्कूप ही लेना है आपको, क्योंकि वही इसकी सर्विंग साइज है। होप आप सभी को ये रिव्यू पसंद आया होगा। तो आप लोग अपने ओपिनियन, अपने कमेंट्स मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।